हेलो फ्रेंड्स, सरकारी रोजगार यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें, जितने भी सक्षम साथी उनके लिए लेटेस्ट अपडेट लेकर आए। अभी मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी अपडेट आई है। सक्षम युवा साथियों ने एक बड़ी अपडेट जारी की है। रोजगार विभाग व रोजगार कार्यालयों को पत्र लिखा है, ठीक है। क्या पूरा जानकारी बताइए, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताऊँगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें। तो इसमें बताया कि सेवा में माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार माफर्त अतिरिक्त उपायुक्त महोदय जिला जींद। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को इन्होंने पत्र लिखा है जिला जींद के जितने भी रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं। इसमें बताया कि सक्षम युवा स्कीम के तहत पोस्ट ग्रेजुएट योग्यता के युवा को काम दिलवाने के बारे में। जी हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट वाले को युवा हैं जितने भी, उनको काम दिलवाने के बारे में पत्र लिखा गया है। क्या पूरी जानकारी बताइए सक्षम युवा ने, मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहें। महोदय, हम हरियाणा सरकार द्वारा संचालित सक्षम युवा स्कीम में पंजीकृत पोस्ट ग्रेजुएट युवा हैं। हमारी सभी की उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष है। ज़्यादातर युवाओं की उम्र 34 से 35 वर्ष है। इस स्कीम के तहत 35 वर्ष की आयु तक 36 माह विभिन्न विभागों में कार्य देने का प्रावधान है, लेकिन अब तक काम न मिलने की वजह से हमारे स्कीमों अनुसार 36 माह पूरे नहीं होंगे। पिछले 2 महीने में एक भी पोस्ट ग्रेजुएट को काम नहीं दिया गया है। अब प्रतिमाह दहाई के आंकड़े में युवा इस स्कीम से बाहर हो रहे हैं। अतः हमारी आपसे अपील है कि पोस्ट ग्रेजुएट को प्राथमिकता देकर विभागों में कार्य देने का कष्ट करें। तो काम के मैसेज को लेकर उन्होंने ये अपील की है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, रोजगार विभाग को, रोजगार कार्यालय को, जींद को, तो इन्होंने बताया कि 35 वर्ष की जो आयु है, आयु तक 36 माह विभिन्न विभागों में कार्य देने का प्रावधान है, लेकिन अब तक काम न मिलने की वजह से हमारे स्कीम अनुसार 36 माह पूरे नहीं होंगे। इन्होंने यह जानकारी बताई और बताया कि पिछले 2 महीने में एक भी पोस्ट ग्रेजुएट को काम नहीं मिला है। जी हाँ, पिछले जो 2 महीने गए हैं उनमें पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को कोई भी काम नहीं दिया गया है सक्षम युवाओं को, और अब प्रतिमा दहाई के आंकड़े में युवा स्कीम से बाहर हो रहे हैं। अब अतः आपसे अपील है कि पोस्ट ग्रेजुएट को प्राथमिकता देकर विभागों में कार्य देने का कष्ट करें। जी हाँ, तो ये पूरी अपडेट बताइए फ्रेंड। सक्षम युवा ने पूरी इसमें जानकारी बताई है इस एप्लीकेशन में, तो आप देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें जितने भी सक्षम युवा साथी है, तो इसका जल्द से जल्द हल निकल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़ा नोटिस भी जारी किया गया है और डेली से डेली उनको अपडेट भी जारी किया जाती है, ताकि वो इस पर पूरी संज्ञान लें, पूरे विचार विमर्श करके पूरी अपडेट के साथ सक्षम युवाओं के बारे में भी बेहतर उपलब्धि स्वीकार करें। जी हाँ, ताकि काम के मैसेज सभी युवाओं को मिलते रहे, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को, और जो भत्ता मानदंड उनको समय समय पर मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी जानकारी, ठीक है। फ्रेंड्स, लेटेस्ट अपडेट आई थी मेरे पास। अगर वीडियो अच्छी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।